करते हैं बाजार में आज हुए एक्शन की। अमेरिकी सीपीआई के नतीजों से पहले आज बाजार का रुख सतर्क दिखा। दिन के उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी 10 अंक चढ़कर 17,535 पर बंद हुआ। बाजार में आज हुए एक्शन की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए आज बाजार में एक टाइट रेंज में, नैरो रेंज में कारोबार हुआ है, और लेकिन आप एक्शन देखेंगे तो बहुत एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ उन स्टॉक्स में नहीं जो अर्निंग्स अच्छी आई हैं, उनसे जुड़े हुए पूरे सेक्टर में आपको एक अच्छा रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है। पहले इस वक्त निफ्टी गेनर्स की बात कर लेते हैं कि गेनर्स कहाँ देखने को मिले। आपको जो सेक्टर गेनर्स थे वो मेटल और कमोडिटीज में क्लियरली दिख रहे थे, और लूजर सेक्टर्स जो थे वो आईटी और रियलिटी में दिखे। अगर निफ्टी के गेनर्स की हम बात करें, हिंडाल्को नंबर इंपैक्ट यहाँ पर आप तेज देखें, कोल इंडिया, यूपीएल अच्छा खासा डेंट झेल चुका है, पिछले पूरे हफ्ते परफॉर्म नहीं हुआ और आप थोड़ा रीबाउंस वहां से दिख रहा है। टाटा स्टील तो ये पहले टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स की आप बात करें तो उसमें आपको आईटी पैक के काउंटर्स क्लियरली दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस खेरा की टॉप लूजर रहा, लेकिन उसके बाद आप विप्रो, एचसीएल और लेटर इन द लिस्ट आपको इन्फोसिस जैसे काउंटर भी दिखेंगे। तो आईटी पैक ने आज क्लियरली बाजार को ड्रैग करने की कोशिश की। पॉकेट्स कौन सी थी जहां से अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही थी, और बेसिस द नंबर्स थे, मिड कैप स्पेस की यहाँ इनफैक्ट बात करनी होगी, क्योंकि वहां से बड़े गेनर्स निकल कर आए जो एफएनओ में भी थे, और पूरे आपको स्पेस में वाइब्रेंस, पूरे सेक्टर वाइज भी वाइब्रेंस देखने को मिली। टाटा केमिकल्स नंबर्स अच्छे आए, अपूरा केमिकल, एग्रो, ये सारा स्पेस देखेंगे, इसमें आज एक अच्छा मोमेंटम था। सीयूबी के नंबर्स अच्छे आए, अब वहां देखेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड रहे, दोनों तरह के मूव्स दिखाई दिए बैंकिंग फाइनेंस में। लास्ट आवर में आपको थोड़े बहुत इरोड भी हुए हैं गेंस। हिंडाल्को यहाँ पर नंबर्स आए, इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिला। तो जो सेक्टर्स आपको क्लियरली आज दिख रहे थे उसमें आपको फर्टिलाइजर काउंटर दिख रहा था, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर अच्छी वाइब्रेंस थी, और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स कास्टिंग एंड फोर्जिंग में आपको AII इंजीनियरिंग वहाँ अच्छी तेजी देखने को ली, पेपर स्टॉक्स में JK पेपर। सो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिला, मिड कैप से स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ गुड नंबर्स, या नंबर्स आने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद, या फिर अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन में, ये क्लियरली आज के दिन में एक्शन देखने को मिला। बड़ी नज़र जो है वो US से आए CPI नंबर्स पर आज होगी, जिस पर बाजार कल रिएक्ट करेगा थर्सडे को।